हेलो नमस्कार, आई एम योर सूत्रधार प्रबल पोद्दार और आज मेरे साथ हैं इंदौर की एक बेहद खास शख्सियत मिस्टर विपुल अग्रवाल, दी डायरेक्टर ऑफ सुनील अग्रवाल एंड एसोसिएट्स। तो सर, शुरुआत करें, उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। 2013 में मैंने मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करा। मेरा फैमिली बिजनेस रियल एस्टेट का बिजनेस है, जिसमें हम रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को एक्सक्लूसिव मार्केट करते हैं और साथ में कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बनाते भी हैं। हमारी जो जर्नी रही है, मेरे फादर ने जो बिज़नेस स्टार्ट करा है, उनका जो पहला रेम्यूनरेशन था या जो पहला ब्रोकरेज था वो मात्र 500 रुपये था। वो 100-100 किलोमीटर बाइक पे घूमते थे और ज़मीनें देखते थे, प्रॉपर्टीज़ देखते थे, क्लाइंट को ले जाते थे दिखाने के लिए। सो शुरू से ही वो चीज़ों को देख के और जिस तरह से इस बिज़नेस ने उनको जो ग्रोथ दी है, हम ज़ीरो से आज जहाँ पर भी आ पाए। सो शुरू से था कि मैं फ्यूचर में इस बिज़नेस को ज्वाइन करूँगा। तो लगभग 25 सालों से हम लोग इंदौर में काम कर रहे हैं और 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मार्केट करके डिलीवर कर चुके हैं। 12-15 हज़ार लोगों को घर दे चुके हैं। डीलर, एजेंट, रियल एस्टेट, इतने सारे शब्दों में लोग वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो When it comes to marketing, थोड़ा सा और अगर आप हाईलाइट कर पाएँ कि रियल एस्टेट मार्केटिंग में एग्जैक्टली आप क्या करते हो और कैसे करते हैं। सो जब भी कोई कस्टमर हमें बोलता है कि मुझे घर खरीदना है, तो हम सबसे पहले उसकी नीड समझते हैं। उसे घर खरीदना है तो कहाँ खरीदना है, उसे कितना बड़ा घर खरीदना है, उसकी फैमिली कितनी बड़ी है, या आज वो प्रेजेंटली कहाँ रह रहा है, घर अपग्रेड करने के लिए खरीदना है या फर्स्ट टाइम होम बायर है, खुद के लिए खरीदना है। सो उस नीड और उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम फिर उसे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जितने भी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, वो उसे सजेस्ट करते हैं। सो आज हमारा मेजर बिजनेस जो है वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही है, क्योंकि हम लोग उस तरह से जुड़े हुए उन लोगों से और उस फीलिंग को हम समझते हैं कि जब आदमी अपना पहला घर खरीदता है तो वो उसके लिए कितना बड़ा सपना होता है। तो आज के दौर में आप खुद को कैसे अपडेट कर रहे हैं और आपके इस पूरे इकोसिस्टम में डिजिटल और सोशल मीडिया कितनी इम्पैक्टफुल है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं? कोविड के बाद से हमने हमारी कंपनी को बहुत डिजिटल की तरफ डाला है। पहले जनरली 40-50 साल की उम्र के लोग घर खरीदते थे, ये एक नया ट्रेंड मिला है कोविड के बाद, जब बहुत सारे लोग जो 25-35-40 साल की उम्र के लोग हैं वो लोग घर खरीद रहे हैं। ये लोग जनरली डिजिटल मीडिया पे ही पाए जाते हैं, इनका ऑलमोस्ट आप अगर फ़ोन टाइम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग अलग अलग डिजिटल मीडिया के सोर्सेज के थ्रू इनको अप्रोच कर रहे हैं और इनको हम थ्रू अलग अलग वीडियोज़, रील्स और अलग अलग चीज़ों के थ्रू इनको हम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये लोग भी अपडेट हो रहे हैं कि इंदौर में क्या चल रहा है, इंदौर में अभी कहाँ कुछ बन रहा है, क्या नया आने वाला है, वो सब चीज़ें भी हम उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बता रहे हैं लोगों को। तो उससे हमारा ट्रस्ट भी डेवलप हो रहा है। इंदौर को अगर एक मॉडल के तौर पर देखें तो यहाँ के रियल एस्टेट ट्रेंड में आपके हिसाब से इन जनरल क्या बदलाव आ रहा है, कैसे बदल रहा है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अपडेट हो रहा है इंदौर का। इंदौर में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जो मेट्रो आ रही है उसके कारण बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इंदौर के रियल एस्टेट में, और ये जहाँ जहाँ भी मेट्रो आई है, जिस जिस सिटी में भी आई है, वहाँ वो चेंज देखने को मिला है। और ये जो कोवर्किंग स्पेसेस है, कॉरपोरेट्स है, ये सब आना शुरू कर दिया है। मतलब TCS, इन्फोसिस, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज तो आई गई है। और यहाँ पे क्या है कि Tier 3 सिटीज़ के लोग भी इंदौर में सेटल हो रहे हैं। जो व्यक्ति आज, जैसे इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ IIT, IIM दोनों हैं और भी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सिम्बायसिस है, NRC मुंजी है। सो ये जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सोचते हैं कि यार मैं घर से इतना दूर तो आ गया, लेकिन अब मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जाने की बजाय मैं यहीं सेटल हो जाता हूँ, मेरा घर यहाँ 200-300 किलोमीटर के रेडियस में है। और बाहर के लोग भी इंदौर आना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, सारी चीज़ें बढ़ गई है, इंदौर में वो अभी बहुत कम है। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंदौर रियल एस्टेट बढ़ने वाला है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, ये जो जनरेशन आपने कहा ना मकान खरीदने वाली है, क्योंकि सबका क्या है कि नया नया एक्सपीरियंस, बहुत सवाल होते हैं लोगों के पहला मकान खरीदने को लेकर, क्या हाउस खरीदना एक सही इन्वेस्टमेंट है भी या नहीं है, या खरीदना चाहिए तो किस तरह के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये मैं थोड़ा सा आपकी राय इस पर जानना चाहता हूँ। देखिए, ये मिथ या ये जो चीज़ थी
वो कोविड के पहले तक बहुत मायने रखती थी। यंग लोग सोचते थे यार मैं क्यों घर खरीदूँ, मैं तो घूमने पे खर्चा करूँगा, मैं तो कपड़ों पे खर्चा करूँगा, इस पर करूँगा। बट जैसे ही कोविड आया, कोविड ने सब लोगों को रियलाइज़ कराया कि नहीं यार खुद का घर तो होना चाहिए। जिस तरह से लोग रेंट पे जब रह रहे थे और उन्हें जो जो प्रॉब्लम फेस करने को मिली, सो पीपल हैव रियलाइज़ कि नहीं खुद का घर तो चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसी के कारण आपने पिछले 2 साल में जो रियल स्टेट का अपवर्ड ट्रेंड देखा है वो इसी के कारण है। सो ऑब्वियसली आप जब खुद का घर खरीदते हैं तो वो आपका एक एसेट हो जाता है, आपके लिए एक वैल्यू जनरेटिंग चीज़ हो जाती है। वहीं आप जब रेंट भरते तो हर मंथ की इनकम से आपका वो रेंट जाता है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होती है। खुद का घर खरीदते समय क्या 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो लोकेशन, आपको लोकेशन का फ्यूचर और लोकेशन का प्रेजेंट, ये दोनों ध्यान में रखना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में आसपास वहाँ से कौन सी चीज़ कितनी दूर है, बच्चों का स्कूल कितना दूर है, मेरा ऑफिस कितना दूर है, लोकल ट्रांसपोर्ट कितना है यहाँ पे, इन फ्यूचर यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, कौन सी मेजर रोड कनेक्ट होने वाली है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बड़ी रोड आ रही है या कुछ ऐसा आने वाला है यहाँ पे जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टी की ग्रोथ होने वाली है, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। दूसरा, आप जिससे भी खरीद रहे हैं आप ये देखें कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने पिछले सालों में कितना काम करा है, कितने लोगों को घर दिया है या कितने लोगों को प्रॉपर्टी दी है। अगर लोकेशन और बिल्डर दोनों चीज़ें सही लगती है और चीज़ें बैठती है, तो तीसरा पॉइंट आता है फाइनेंस, जो आपको देखना चाहिए कि मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ, मेरा होम लोन कितना मेरे को मिल सकता है मेरी प्रोफाइल के अगेंस्ट में। ये तीनों चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक आपका एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। आपने किन बिजनेसेस को आपके माध्यम से कह लीजिए कि ज़्यादा सपोर्ट मिला या ज़्यादा जो है रीच मिला अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक, कुछ मेंशनेबल प्रोजेक्ट्स जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए जो बहुत चैलेंज फेस कर रहे थे। वन ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज ओशियन पार्क, अराउंड 2013-14 की बात है, ये उससे और पहले की बात है। जब इंदौर में कल्चर था कि हमें खुद की ज़मीन, खुद का मकान, रो हाउस, प्लॉट्स, उसमें ही लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो ये इंदौर का पहला हाई राइज टावर था जो ओशन पार्क के थ्रू लाया जा रहा था। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर जाके कैसे रहेंगे, कौन रहेगा, क्या करेंगे। तो हमने बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लगाया, इनोवेटिव कंसेप्ट लगाया कि हमने हॉट एयर बलून का एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा जिसमें हम उनको 15 फ्लोर की हाइट तक लेके गए और उन्हें ये फील कराया कि आप जब 15 फ्लोर पर रहोगे तो आपको कैसा फील होगा। आप जब फील कर लेते हो कि नहीं यार ये ऐसा फील होने वाला है, तो कोई भी कस्टमर जल्दी कन्विंस होता है उन चीज़ों से। तो वो एक चीज़ थी। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट था कासा ग्रीन्स में, जब हम पोस्टपेड होम्स की स्कीम लेके आए थे, लोगों का ये पेन था कि यार हम घर ले लेते हैं, बुकिंग कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, हमारी EMI स्टार्ट हो जाती है, हम हमारा रेंट भी भरते रहते हैं और बिल्डर पोजीशन नहीं देता है, बिल्डर का टाइमली पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो हमने बोला आप पहले पोजीशन लो, फिर आपकी EMI स्टार्ट करना, आपका पेमेंट करना। सुनने में सब बहुत अच्छा लग रहा है जब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, पर जर्नी हमेशा उतनी आसान नहीं होती है। खासतौर पर कोविड के दौर से रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी अफेक्ट हुई थी उससे, और इन जनरल इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और आप कैसे उनको डील करते हैं? क्योंकि इंदौर ग्रो कर रहा है और इंदौर में कंपटीशन भी बढ़ रही है, लोग अब इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशन चूज कर रहे हैं, तो कंपटीशन जो आ रही है वो एक बिगर चैलेंज है। और इस चैलेंज को हम इसी तरह से ओवरकम करते हैं कि जैसे मैंने बताया, हमारी शुरू से USP रही है कि हम इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करते हैं, इनोवेटिव थॉट पे काम करते हैं, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा इंडस्ट्री के लिए करते रहते हैं, अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, अपने आप को लोगों तक पहुंचाते हैं सही तरीके से, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो चैलेंज मुझे दिखता है वो यही है कि जो कॉम्पिटिशन धीरे धीरे आ रही है उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको इनोवेट करते रहना पड़ेगा, आपको कुछ नया देते रहना पड़ेगा, तो आप आगे बने रहोगे। तो यहाँ से एक चीज़ और बड़ी जो है इंस्पायरिंग निकलती है, यूजुअली एक सेट बिजनेस जब आपको मिलता है तो एक एक्सपेक्टेशन भी अलग होती है उसको और आगे ले जाने की। तो कहीं ना कहीं आपकी भी जर्नी ज़ीरो से ही शुरू होती है, भले ही लोगों को ऐसा महसूस ना हो, पर कहीं ना कहीं आप ज़ीरो से ही, नए सिरे से ही शुरू कर रहे होते हैं।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज इंदौर में, आपने कहा स्टार्टअप्स बहुत हो रहे हैं, जो नया काम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू आर अ स्टार्टअप, इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस, कुछ भी हो, गिव अप मत करो। मैंने भी जब जर्नी स्टार्ट करी, मार्केट 2012 से 2018 का बहुत डाउन रहा। मैं खुद दिखाने जाता था, मैं खुद हैंडल करता था, खुद बताता था लोगों को, पांच बार एक कस्टमर आता था बट घर नहीं खरीदता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, मेरी टीम जो मैंने बनाई वो बिखर गई, वो चले गई। सो चैलेंजेस तो हमेशा आएंगे, और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, तो मेरा एक ही मूल मंत्र है सभी के लिए और मेरा खुद के लिए भी, जो मैं बोलता हूँ कि डोंट गिव अप, ऑलवेज फाइट बैक, और आप बस एक गोल डिसाइड करके चलते जाओ, चैलेंजेस आएंगे, ओवरकम करो, वापस खड़े हो, वापस स्टार्ट करो। सो परसिवरेंस इज़ द मेन थिंग फॉर अ स्टार्टअप, फॉर अ एंटरप्रेन्योर, फॉर अ बिजनेस ओनर, जो उसको बहुत आगे तक हेल्प कर सकता है। तो परसिवरेंस की बात है, डोंट गिव अप वाली बात है, और चाहे वो घर बनाने का सपना हो, घर को खुशहाल रखने की प्रक्रिया हो, या एक बिजनेस को फ्लरिश करने की बात हो, मुझे लगता है कि परसिवरेंस इज द कीवर्ड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत ही कम में आपने बहुत ही कुछ गहरी बातें जो हैं हमसे शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।